ये हो गया वेट लॉस राज, वेट लॉस राज से शुरू कर। वेट लॉस राज, मैंने तो बहुत डाइट की और उसके बाद मैंने तुम्हारी तरह डाइट छोड़ दी, तो वो आपका जो है वो मैदा श्रिंक हो जाता है। तो अब मेरा जो होता है वो मैं 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर 7:30 में अपना मील लेती हूँ। अच्छा, तो वो एक्सरसाइज के बाद तो सिस्टमैटिक कर लिया उसकी वजह से 18 आवर्स जो है वो मेरे, और अब जो भी खाती है जो दिल चाहता है जो जो घर में बना है वो मैं खाती हूँ। कल तो मैंने पाए खाए। मौसम भी पाए और नहा, मैं वेट करती हूँ दिसंबर जनवरी आने तक का कि भाई ये जब इसमें कुन्ना पाया जितना भी ये वाली चीजें ना, क्योंकि ये खवतीन के लिए भी बड़ी जरूरी है। हमने बहुत लेट समझा इन सारी हड्डियां वड्डियों के। नहीं सादिया, तुम्हारे में तो कॉलेजन बहुत होती है। कॉलेजन तो गई, कॉलेजन तो अभी गर्मियों में आप खा नहीं सकते, तो इसलिए जरूरी है। सादिया, तुम्हारा वेट लॉस राज। उफ, मैंने तो बहुत मेहनत की है। 3 महीने 6 महीने हो गए। मैं आई एम ऑन काउंटेड मील्स जो कि मैं ले रही हूँ। मैं नाम ले सकती हूँ जिनकी ले रही हूँ? आई एम, इट्स अ बिग शाउट आउट टू डाइट बाय डिजाइन डॉक्टर सादी हैं जिन्होंने वो बना बनो के बेचती हैं। तो वो मैं पहले 3 महीने 6 मील्स पे थी, अब मैं 3 मील्स पे हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और कम करना था। सो मुझे रोज खाना आता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और उसमें ये कि मैं रोटी चावल नहीं खा रही फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। बट ये है, ये भी कोई जिंदगी है प्यारे। मेक श्योर कि मेरे बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी काउंटेड मील, सो वो मैं कर रही हूँ। प्लस आई एम वर्किंग आउट, तो वो जरा मेरे एब्स वगैरह बन गए। हैप्पी वर्क शुरू कर। तुम्हारा क्या है राज? जिंदगी का स्ट्रगल है मेरा, क्योंकि मैंने ये देखा है मैं जितनी भी डाइट कर लूं, जैसा आप कह रही हो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, मेरी नहीं होती। आई लव माय फूड। अभी 2 हफ्ते पहले भी आई वाज सो सिक फॉर अ होल 10 डेज, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग क्योंकि मुझे बहुत सिवियर अल्सर हो गया था। और उसके बाद मुझे लगता था मैं कभी नहीं खा पाऊंगी, लेकिन जैसे ही ठीक उसके बाद आई एम बैक टू नॉर्मल। अच्छा, लेकिन हाँ मैं बहुत वर्कआउट करना पड़ता है मुझे। वर्कआउट, आई मेक श्योर दैट आई वर्कआउट 5 times a week एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी टाइम। और फिर वही वाली बात कि रोटी चावल, रोटी चावल। मैं अगर घर में कुछ जैसे सालन भी बना हुआ हो तो मैं वो भी रूखा चमचे से फोक से, कोई सब्जी हो कोई सालन हो कुछ भी हो। और मीठे का बहुत शौक है तो उसको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है कि 2 times a week चलो अपने आप को ट्रीट देती, पर अदरवाइज हो। जवेरिया, तुमने भी काफ़ी कम किया अपने आप। मैंने जब तुम लास्ट टाइम आई थी मैंने तुम्हें बोला था कि भाई मेरा मसला ये कि जब मैं कोई काम नहीं कर रही होती ना तो फिर मैं पराठे मलाइयाँ सब टाइप की चीजें बहुत पसंद है। बनाती भी खाना अच्छा है ना, बहुत अच्छा बनाती चीजें, तो ये मैं बहुत खाती हूँ। जब काम शुरू होता है तो फिर मैं सिर्फ रोटी चावल चीनी 3 चीजें छोड़ देती हूँ, तो उससे मेरा खुद ही काम में फिर ध्यान बटा रहता है। तो तुम्हारा दिल फिर वो नहीं उस तरफ दिल भी नहीं करता। हाँ, फिर जब आप शूट पे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि खाना आया हुआ होता है, तो मैं ये करती हूँ कि दाल में वो डाल के कोई चिकन वगैरह जो भी चीज़ होती है और सैलड वगैरह जो होता है वो कर लेती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं थोड़े से चावल या थोड़ी सी रोटी ज़रूर खाती हूँ, वरना फिर बाद में जब खाते हैं तो फिर वो खराब वो मैं वैसे खुद से नहीं खाती, वो कहीं ना कहीं दावत पे या कहीं घर में वो हो जाए। इस तरह से कर, अब तो इतनी शादियां भी हैं, वही मैं सोच रही हूँ कि क्या कैसे मैनेज करेंगे। अब तो वजन बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं डाइट नहीं कर सकती ना, मुझे वो किसी भी दूसरा सर में दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है, तो मुझसे होती नहीं, होती नहीं है डाइट। बस मेरा पेट भरना चाहिए फुल, चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे चावल रोटी ना भी खाऊं, रेनी यहाँ तक हलक जब तक नहीं भरता ना जब तक मैं सकूं क्या करूँ। फिर मैं खीरे वीरे खा लेती हूँ पहले ना खाने से पहले, ये सही है ना ये। लेकिन आप देखिए बिसाइड्स फिटनेस एवरीवन इज लुकिंग वेरी फ्रेश, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज आप डाइट करके आपका फेस पे एज आ जाती है, होता है, लेकिन इस चीज का बड़ा बाल जाता है सबसे पहले। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप जो डाइट जो भी कर रहे हैं थोड़ी हेल्दी डाइट करें। मैंने खबर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।